सारी की सारी दुनिया छुट्टी पर चली जाए, लेकिन मेड अगर छुट्टी पर चली गई तो जिंदगी हराम हो जाती है यार। बहुत लेट हो गया। अरे यार, लैब जाने में लेट हो रहा हूँ, ये कौन आ गया ऑफिस वाले? बाहर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, घंटी की आवाज तो सुनाई दी थी। बाहर कोई दिखाई नहीं दे रहा, घंटी सुनाई दी, लेकिन कुछ गड़बड़ है। Invited to a murder at Dam Wood Villa, Yali Hills 400876. Me if you can. ये सच्चाई है, मजाक है? बंगले का मालिक पंकज, जरा आसपास पता कर बंगले का मालिक कौन है। जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है लेकर आओ। कितनी बेरहमी से खून किया इसका, पूरे शरीर पर चाकू से वार किए और फिर भी जी नहीं भरा तो उंगलियां काट दी। इतना खून तो जो फैला हुआ है इसके घाव का नहीं हो सकता है। मतलब सर? मतलब ये पूरी कि जितना खून इस पूरे घर में फैला हुआ है, इतना खून तो एक इंसान की बॉडी में होता ही नहीं। कोई आईडी वगैरह मिली? कौन है ये लड़की? नहीं अभिजीत, कुछ नहीं मिला। सर, सर इस बंगले की मालकिन राइना है और वो आधे घंटे में आ रही है। ओके ठीक है, तब तक एक काम करते हैं, यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं, ये ब्लड, कोई सबूत, सब इकट्ठा करते हैं। कुछ भी छूटनी नहीं चाहिए, पता तो चले क्या हुआ यहाँ पे।
इस पूरे घर में इतनी सारी चीजें पड़ी हैं जो चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि हम सबूत हैं, हमें उठा लो। कहीं ये सब प्लांटेड तो नहीं? मतलब खूनी हमारे साथ गेम खेल रहा है। ये सब किसने किया है? ये सब किसने किया है? सर, ये तो हम ही से पूछ रहे हैं किसने किया है? इतना गंदा कर दिया है, अब साफ नहीं कर सकते थे ये? वो सर, साफ करने के लिए भी हम ही बोल रही है। ये बदबू आ रही है। हे, मेरे बंगले में ये औरत क्या कर रही है? कौन है ये? ओए बिरजू, बिरजू कहाँ है? बिरजू, बिरजू! ये लाश देख के लोग या तो बेहोश हो जाते हैं या डर के मारे गिर जाते हैं। इसको तो कुछ हुआ ही नहीं। बिरजू, 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 और बिरजू, बिरजू! रैना जी, आपने ये घर ऐसे ही लावारिस छोड़ रखा है? एक्सक्यूज मी, घर लावारिस नहीं है, इस घर की मालकिन मैं हूँ। ये मेरा पुश्तैनी बंगला है। आपका बंगला है तो आपने देखभाल करने के लिए किसी को रखा नहीं है क्या यहाँ पे? ऑफ कोर्स है बिरजू, बट पता नहीं वो कहाँ है। बिरजू! इस औरत की लाश पड़ी आपके बंगले में, आप उसको भी नहीं जानती? मैं कुछ नहीं जानती। और अब प्लीज यहाँ से निकल जाइए और जाते जाते सब कुछ साफ करते हुए जाइए। बिरजू! सर, ये औरत थोड़ी अजीब है और टेढ़ी भी। एक केस और 18 सबूत, और कुनी ने सबूत ऐसे सजा के छोड़े थे कि बस पूछो मत। सर, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इनमें से कोई भी सबूत हमारे किसी काम का नहीं है। ये सारे सबूत हमारे किसी भी काम के नहीं है, इसका क्या मतलब है तारिका? मतलब ये कि ये सारे सबूत पुराने हैं। What? ये सारे सबूत पुराने तो क्या लड़की का खून भी पुराना है? कितने पुराने बताओ? सर, 4 से 10 साल पुराने। ये सारे सबूत 4 से 10 साल पुराने तो क्या इसका मतलब है इस लड़की का खून 10 साल पहले हुआ है? और क्या मिला सबूतों में से बताओ? इन सारे सबूतों में 20 अलग अलग लोगों के डीएनए मिले हैं। मतलब 20 अलग अलग लोगों ने इन सारे सबूतों को छुआ है ना? हाँ सर। तो फिर फिंगरप्रिंट्स तो मिले ही होंगे? नहीं नहीं सर। लेकिन सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चली है। क्राइम सीन पे जो इतना सारा खून मिला था, वो खून किसी इंसान का नहीं बल्कि किसी जानवर का था। क्या डॉक्टर तारिका, इस लड़की के शरीर पे जो खून लगा हुआ था वो भी जानवर का? नहीं नहीं, इस लड़की के शरीर पे और इसके कपड़ों पे जो खून मिला था वो इसी का है, असली खून। लेकिन इसके अलावा वहां पे जो भी चीजें थी वो सारी प्लांट की गई थी। लगभग 20 लोगों के डीएनए और इतने सारे सबूत क्राइम सीन पे आए कहां से सर? वही तो, इतने सारे सबूत लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। वाह, आप चुपचाप बैठे रहो, कुछ मत बोलना, हम लोग यहां गप्पे लड़ा रहे हैं ना। बस
मैं जानता हूं ये सारे के सारे सबूत कहां से आए। पिछले कई सालों में सीआईडी ने जो केसेस सॉल्व किए हैं उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट केसेस के इंपॉर्टेंट एविडेंस है ये सारे के सारे। क्या तो मैंने रायना और उसके परिवार का बैकग्राउंड चेक किया। उसके परिवार में 2-3 लोग खून के इल्जाम में जेल की सजा काट रहे हैं। और ये रायना, इसे बाइपोलर डिसऑर्डर है। तभी वो ऐसे बर्ताव कर रही थी। और वो जो केयर टेकर था बिरजू, उसका कुछ पता चला? सर, उसकी फोन की लास्ट लोकेशन उस बंगले के बाहर ही एक्टिव थी। उसके बाद से ऑफ है, ढूंढने की कोशिश जारी है। कमाल, उस बंगले में इतना कुछ हुआ और बंगले की मालकिन को कुछ पता ही नहीं, केयर टेकर गायब है। यार ये कहीं बीमारी की आड़ में कोई गेम तो नहीं खेल रहे? हो सकता है, नजर रखनी पड़ेगी उस पर। पंकज, वो जो लड़की की लाश मिली थी उसका कुछ पता चला? सर, सारे पुलिस स्टेशन, न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल में भेज दिया, थोड़ी देर में पता लग जाएगा। सर सारे हमारे पुराने केसेस के सारे सबूत वहां पर कैसे पहुंचे? चुपचाप बैठ के नहीं चलेगा सर, मुझे जवाब चाहिए अभी। तू फोरेंसिक सर्जन है, इस फोरेंसिक डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते तो बस बताओ जल्दी। अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ। और नहीं तो क्या, बताओ ना फिर, हमारे पुराने एविडेंस, हमारे रिकॉर्ड में से गायब कैसे हुआ? बस एक काम करते हैं, रिकॉर्ड रूम में चल के वहां पूछताछ करते हैं, पता चल जाएगा बस वहां पर क्या गड़बड़ हुई है। प्लीज, इतने सारे सबूत गायब कैसे हो गए मालूम है ना? ये सबूत कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो फिर आपके होते हुए ये चूक हुई कैसे? कैसे गायब हो गए सबूत? सर, हमारे होते हुए चोरी नहीं होती सर। तो फिर चोरी कब हुई? सर, ये चोरी रात को ही होगी, क्योंकि हम लोग रात को नहीं रहते ना, इसीलिए चोरी हो गई। और आप, आपका क्या कहना है? सर, मैंने डॉक्टर साहब को कितनी बार बोला कि लॉक वगैरह ठीक करवा लीजिए, दरवाजे खिड़कियां ठीक करा लीजिए, सीसीटीवी कैमरा लगवा लीजिए, लेकिन डॉक्टर साहब हमारी सुनते ही नहीं है। और तो और क्या, और क्या सर? वो पता नहीं किसी को भी लेके आ जाते हैं सर, बोलते हैं कि पुराने एविडेंस देखने हैं। किसे लेकर आए थे ये? पिछले 3 महीने पहले किसी को लेकर आ गए, बोले कि क्राइम जर्नलिस्ट हैं, इनको पुराने एविडेंस देखने हैं। बॉस वो एक जर्नलिस्ट था, फॉरेंसिक पर एक आर्टिकल लिखना चाहता था, मुझसे रिक्वेस्ट की, मैंने उसे परमिशन दे दी। बस देख सर, मुखे तो अच्छी तरह से जानता कि यहाँ किसी भी बाहर के आदमी को अंदर आना मना है, और तू जर्नलिस्ट को यहाँ लेकर आया? सर, पिछले महीने भी सर कॉलेज के स्टूडेंट को लेकर आए थे, उन्हें भी पुराने एविडेंस दिखा रहे थे, तो हो सकता है कि उनमें से किसी ने चोरी की हो। नहीं नहीं बॉस, ऐसा नहीं हो सकता, वो तो फॉरेंसिक के स्टूडेंट थे, बेचारे मुझसे परमिशन मांग रहे थे। सर, हम स्टडी करना चाहते हैं, कुछ प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, सर प्लीज परमिशन दे दीजिए। मैंने उन्हें परमिशन दे दी। बस बॉस, मैं एक रेस्पॉन्सिबल इंसान हूँ बॉस, आफ्टर ऑल ये मेरा अधिकार भी तो है यार। देख सर, उनके सीआईडी को लुटवाने का तुझे कोई अधिकार नहीं है, समझे? और तो और, या कोई कॉलेज खोल के नहीं रखा है फॉरेंसिक सिखाने के लिए? तुम स्टूडेंट को यहाँ ला कैसे सकते हो? किसके परमिशन से लाया तुमने? देख सरुखे, अच्छी तरह से याद रख, इस रिकॉर्ड रूम में कोई भी नहीं आ सकता, ना मैं ला सकता हूँ, ना तुम ला सकते हो, ना ये ला सकता, फिर चाहे अपने परिवार वाला हो, कोई दोस्त हो। हाँ अभिजीत, सर जिस लड़की की मौत हुई थी उसका नाम टीना है, और ये उनके पिताजी हैं। डॉक्टर नीरव सर, हेड ऑफ फॉरेंसिक चेन्नई। डॉक्टर नीरव, नीरव, नीरव सर, बेटे नीरव किसी ने मार दिया। कंट्रोल योरसेल्फ, सब पता चल जाएगा। सर आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? हाँ अभिजीत,
एक जमाना था जब मैं और नीरव साथ साथ काम किया करते थे। नीरव, एक मिनट बॉस। क्या? ये देख दोस्त, तेरा शक एकदम सही था दोस्त, इसमें डॉक्सिन है। डॉक्टर नीरव, जरा बताइए, आखिरी बार आपने अपनी बेटी टीना से कब बात की थी, कब देखा था उसे? एक्चुअली वो कॉलेज के हॉस्टल में रहती थी, दो दिन पहले से बस गायब हो गई थी। नीरव नीरव, हौसला रखो नीरव, जिसने भी किया है ना वो पकड़ा जाएगा। मैं पता लगाऊंगा नीरव, मैं पता लगाऊंगा किसने किया ये। नहीं सारूंगी, तुम नहीं पता लगाओगे। मैं नहीं पता लगाऊंगा मतलब? मतलब तुम इस केस पर काम नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारी लापरवाही की वजह से फोरेंसिक रिकॉर्ड रूम में से सबूत गायब हो गए। यू आर सस्पेंडेड सारंगी टिल फर्दर नोटिस। बस तुम्हें लगता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ? तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो? ये इल्जाम नहीं है सारंगी, यह हकीकत है और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। ना तुम अपने दोस्त जर्नलिस्ट को फॉरेंसिक रिकॉर्ड रूम में ले जाते, ना उन स्टूडेंट्स को फॉरेंसिक रिकॉर्ड रूम में ले जाते, और ना आज मुझे तुम्हें सस्पेंड करना पड़ता। अरे यार, नीरव को मेरी जरूरत, इस केस को मेरी जरूरत है यार, प्लीज। नहीं सर, ओके। सर, सर आपने मुझे बुलाया? डॉक्टर तारिका, अब से तुम डॉक्टर नीरव की बेटी टीना की केस हैंडल करोगी। मैं? हाँ। लेकिन सर, अभिजीत सारंगी का दोस्त जर्नलिस्ट और उसके वो स्टूडेंट्स जो फॉरेंसिक रिकॉर्ड रूम में आए थे, सबकी अच्छी तरह से इंक्वायरी करो, अच्छी तरह से। आ गए वो प्रद्युमन के दाएं बाएं और अभी मेरे घाव पर मरहम लगाने के लिए। मुझे मालूम है, खोलते ही कहेंगे सर कुछ नहीं होगा, हमें आप पर पूरा विश्वास है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्या काम ठीक हो जाएगा। पहले तो बेइज्जती करके निकाल देते हैं और फिर भेज देते हैं अपने दायों बायों को, जाओ जाओ उसके घाव पे मरहम रखो। हाय, मॉर्निंग। अरे क्यों टेंशन ले रहे हैं सर, सब ठीक हो जाएगा। हमें आप पर पूरा विश्वास है सर, हमें पूरा यकीन है, आप कोई गलत काम कर ही नहीं सकते, मगर क्या करें, प्रोटोकॉल तो फॉलो करना ही पड़ेगा। देखो, मुझे तुम लोगों की सहानुभूति की कतई जरूरत नहीं है, और हाँ, तुम्हारे एसीपी साहब की सहानुभूति की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है। बच्चा नहीं हूं, रो नहीं रहा। मुझे मालूम है प्रद्युमन अपने उसूलों का बहुत पक्का है, होना भी चाहिए। गुड सर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, आपके सामने एसीपी सर ने मुझे। तारिका, शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने काम पे ध्यान दो, हर चीज को बारीकी से देखना, कोई ना कोई सुराग जरूर मिलेगा। हम जिस चीज को भी छूते हैं अपने निशान छोड़ जाते हैं। रिमेंबर, एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस बिहाइंड। बस इसी फॉर्मूले को फॉलो करना, और हाँ, जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाए प्लीज यहां पर मत आना। मैं जानता हूं मैं बेगुनाह हूं, और अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा, तब तक के लिए प्लीज लीव मी अलोन। आप लोग अपने केस पे ध्यान दीजिए।
बात कर रहे हैं मामला। वैसे सर खाने में क्या बनाया? भूख बहुत लग रही है। सर ये जर्नल सुना बहुत टेढ़ा और बदतमीज आदमी। 3 महीने पहले डॉक्टर नीरव के साथ किसी बात पे झगड़ा भी हुआ था सर। देखते हैं कितना टेढ़ा है। सर आपको अंदर बुलाया। थैंक यू। अरे वाह नसीब हमारे, आज तो सीआईडी टीम के सीनियर इंस्पेक्टर दया से मुलाकात हो ही गई। आइए आइए बैठे बैठे। हम यहाँ बैठने नहीं आए। अरे ऐसी भी क्या बेरुखी है जनाब। चलिए जाने दिए छोड़िए। ये बताइए कि क्या लेंगे, चाय कॉफी ठंडा? ठंडा ठंडा वंडा नहीं पीते हम लोग। वैसे दया साहब मैं काफी टाइम से सीआईडी टीम पर एक डॉक्यू ड्रामा सीरीज बनाने की फिराक में हूँ, लेकिन अपने एसीपी साहब मिल ही नहीं रहे। तुम तो जानते ही होंगे सीआईडी ऐरे गैरे को एंटरटेन नहीं करती। आप सीधे मुद्दे की बात करें। हाँ क्यों नहीं, पिछले 20 सालों से मैं इस प्रोफेशन में हूँ, हमेशा पॉइंट पे रहता हूँ। बताइए सबसे पहले क्या बात करूँ, डॉक्टर नीरव से हुए झगड़े के बारे में या फिर फॉरेंसिक रिकॉर्ड विंग के बुरे हाल के बारे में? डॉक्टर नीरव से तुम्हारा झगड़ा क्या था? नहीं मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं था, मैंने तो बस उन्हें सच्चाई का एक आईना दिखाया था, उन्हें बुरा लग गया। क्या मतलब? मतलब डॉक्टर नीरव के काम को लेकर मैंने एक आर्टिकल लिखा था, मेरे हिसाब से वो फॉरेंसिक के काम के प्रति ईमानदार नहीं थे, थोड़े ढीले ढाले किस्म के फॉरेंसिक एक्सपर्ट थे, इसलिए उन्होंने मेरे खिलाफ मानहानि का केस भी किया। बहुत बेइज्जती हुई मेरी, मैंने उनसे माफी भी मांगी। बड़ा अभी उनकी बेटी की दर्दनाक मौत को लेकर मुझे बहुत दुख हुआ। और अपना दुख जाहिर करने के लिए आपने एविडेंस रूम से एविडेंस चुरा कर वहां फेंक दिया जहां नीरव जी की बेटी का खून हुआ था। अरे जनाब मैं भला ऐसा क्यों करने लगा, मैं भला क्यों पुरानी हड्डियां और खून से सनी साड़ियां चुराऊंगा? एविडेंस विंग में क्या देखने गए थे? फॉरेंसिक लैब से एविडेंस कैसे चुराया जाता मैं ये देखने गया था, मैं आप लोगों की लापरवाही देखने गया था। खैर अब जाने दीजिए, ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं, अब तो आप लोगों को भी पता चल ही गया होगा। देखिए ज्यादा भाषण मत दीजिए आप, जितना जितना पूछा जाए उतना जवाब दीजिए बस। क्यों जब खुद पर बात आई तो मेरे से लग गई? आप लोगों के पास इस बात का जवाब है कि किसने कैसे फॉरेंसिक लैब से एविडेंस को चुराया होगा? मुझे तो लगता है कातिल आप लोगों की कमियां दिखाना चाहता है। क्या जाने दीजिए, अब ये बताइए कि ये सीआईडी पर डॉक्यू ड्रामा सीरीज कब स्टार्ट करो? सर इन्हें ब्यूरो लेके चलते हैं, लगता है ये सही जवाब वही देंगे। उसके लिए लंबा चौड़ा प्रोसीजर लगता है, और वैसे भी सबूत भी तो होना चाहिए ना, क्यों दया साहब? बहुत जल्द मिलते हैं, प्रोसेस पूरा करके सारे एविडेंस लेके आएंगे और तब बात करते हैं सीआईडी पे डॉक्यू ड्रामा बनाने की। हा? डॉक्टर नारायणी? यस जी कहिए। हम लोग सीआईडी से एक केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है। जी बताइए। जो स्टूडेंट पिछले महीने फॉरेंसिक रिकॉर्ड रूम देखने गए थे वो सारे के सारे चोरी और खून के इल्जाम में सस्पेक्टेड हैं। व्हाट ऑफिसर, आपकी जरूर कोई गलतफहमी हो रही है, हमारे स्टूडेंट ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। हम भी यही उम्मीद करते हैं कि उन्होंने नहीं किया होगा, मगर खून तो हुआ है और इल्जाम उन्हीं पे है। देखो हमारे बच्चे सिर्फ एजुकेशनल टूर के लिए वहां पर गए थे और आप लोग उन पे शक कर रहे हैं। हमारा काम है केस को सुलझाना और अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना। आप उन 10 स्टूडेंट्स को प्लीज बुलाइए,
हमें बस उनसे पूछताछ करनी है और उनकी उंगलियों पर निशान लेने। देखिए आप लोग समझिए, वो लोग स्टूडेंट है। देखिए हम थर्ड डिग्री देके उनको पूछताछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ नॉर्मल पूछताछ कर रहे हैं। और हाँ, उनको कुछ बताइएगा नहीं कि हम किस सिलसिले में उनसे बात करना चाहते हैं। ओके। फॉरेंसिक रिकॉर्ड विंग देख के आप लोगों को कैसा लगा? सर मेरा तो दम घुट रहा था। वहाँ कोई जगह है? वो भी पुराने दांत, हड्डियाँ, खून के कपड़े। मुझे तो वो जगह बिल्कुल पसंद नहीं आई। बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। तुमको ये खांसी हमेशा रहती? नहीं मैम, कभी कभी होती है। सर मुझे वो जगह बिल्कुल यूजलेस लगी, ना कोई देखभाल, ना सबूत अच्छे से रखे थे। और सर मुझे तो उन कोल्ड केस फाइल्स के एविडेंस को घर ले जाने का मन था, ताकि मैं उन पे स्टडी कर सकूं। मुझे रोमांच महसूस हो रहा था, हत्यारों और पीड़ितों के दिमाग की कल्पना करने की कोशिश की। बुरा इरादा, दुख, दर्द। सर यहाँ तो 9 ही लोग हैं, एक नहीं है। हाँ वो एक स्टूडेंट आज एब्सेंट है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। कौन है, क्या नाम है? सारिका। सारिका, हमें उसकी पूरी डिटेल चाहिए। हाँ तारिका, कुछ मिला क्या नहीं अब तक? देखो तारिका, हमारे पास वक्त नहीं है। सर मैं कब से वही ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ कि मेरे हाथ में कुछ तो आ जाए, जिससे सालों के सर पे जो इल्जाम लगाए ना वो साफ हो जाए। जो कुछ भी हो, कोई ना कोई तो है जो सालों के को फंसाने की कोशिश कर रहा है। कौन हो सकता है और फिर क्यों कर रहा है वो ये? सर तो आपको ये बात पता है, फिर भी आपने सालों के सर को निकाला। तारिका मैंने सिर्फ वही किया जो कानून ने मुझे कहा। मैं तो सालुंखी को क्या, सर को आप क्या? खुनी ने बहुत बड़ी गलती की है। कौन सी सर? जब तुम लोग वुडविला गए थे, उस घर में घूम रहे थे, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, सब जगह सबूत इकट्ठा कर रहे थे, उस वक्त फ्रेडी तुम अपने निशान छोड़ रहे थे, अपने हाथों के निशान, पैरों के निशान और भी कुछ कुछ चीजों के निशान, और उसका तुम्हें पता भी नहीं था, एहसास भी नहीं था। और खूनी बिल्कुल वैसे ही निशान छोड़ कर गया है वहां पर, ऐसे निशान जो हम ट्रेस कर सकते हैं। ट्रेसेबल निशान? याद रखो, हम जिस चीज को भी छूते हैं अपने निशान छोड़ जाते हैं। Remember, every contact leaves a trace behind. सर ने मुझे हिंट दिया था, मेरे दिमाग में कैसे नहीं आया? जी कहिए। सारिका कहाँ है? आप लोग? CID। आप कौन है? सर मैं, मेरा नाम रूपाली है। और सारिका? सर वो तो यहाँ नहीं है, कल ही चली गई। कहाँ चली गई? मैम वो अपने घर चली गई। कल वो आई और जल्दी जल्दी उसने अपने सारे बैग्स पैक किए, और बहुत जल्दी में थी इसलिए उसने अपना फोन भी यहीं छोड़ दिया। कोई वजह बताई उसने इतनी जल्दी में घर चली गई? जी सर, वो बता रही थी कि उसके घर का कोई सदस्य बीमार है। क्या? सर फोरेंसिक सेंटर से पता चला कि सारिका बीमार है, और ये बता रही है कि उसके घर का कोई बीमार है। कुछ चक्कर तो है सर। अच्छा रूपाली, ये सारिका का घर कहाँ है? सर कानपुर। कानपुर, और आप लोग साथ में रहते थे? जी सर, हम दोनों रूममेट्स हैं। अच्छा, आप लोग कब से साथ में रहे? ये कोई 8-9 महीने। 8-9 महीने से तो एक दूसरे के बारे में काफी कुछ पता चल जाता है। क्या कैसी लड़की थी सारिका, कुछ बता सकती हैं आप? सर वो तो बहुत अच्छी लड़की है। इनफैक्ट वो अपने काम से काम रखती है, फोरेंसिक इंस्टीट्यूट जाना, वहाँ से वापस आना, यही उसका डेली रूटीन। फोरेंसिक सेंटर, तो वहाँ की कुछ बातें बताती थी वो आपसे? हाँ, फोरेंसिक इंस्टीट्यूट से रिलेटेड कुछ कुछ बातें बताती रहती। जैसे अभी कुछ दिनों पहले वो मुझे बता रही थी कि तुम्हें पता है रूपाली, सबूतों को प्लेस करके ना किसी को भी फंसाया जा सकता है।
Really? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? अरे बुद्धू, कुछ भी हो सकता है। मैं कर सकती हूँ ना, किसी भी केस को पलटा जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सबूतों के दम पर। अब देख मैं कैसे सबका दिमाग घुमाती हूँ। सर, टीना और डॉक्टर सालुंके के केस में भी तो यही हुआ है। और अब ये सारिका फरार है, इसको ढूंढना होगा जल्दी से जल्दी। सखोनी जो भी है, अभी उसने इतने सारे सबूत चुराए और क्राइम सीन पे प्लांट किए। ये करते वक्त उसने जरूर इन चीजों को छुआ है। लेकिन डॉक्टर तारिका, तुमने तो कहा था कि फिंगरप्रिंट्स के कोई निशान नहीं मिले, तो फिर इन चीजों को छुआ कैसे? उंगलियों के तो कोई निशान नहीं है, लेकिन मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि इतने सारी चीजें उसने चुराई और क्राइम सीन पर प्लांट। अब इतनी मेहनत करने के बाद उसे जरूर थोड़ा तो पसीना आया होगा। मतलब स्वेट एनालिसिस? Exactly, स्वेट एनालिसिस। किया मैंने स्वेट एनालिसिस और इस प्रोसीजर से मुझे एक डीएनए भी मिला। ये देखिए, इस डीएनए से मुझे ये पता चला कि इस इंसान को एक खास किस्म की बीमारी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। ये किस तरह की बीमारी? ये एक जेनेटिक बीमारी है पूर्वी। इस बीमारी से इंसान के बॉडी ऑर्गन्स जैसे किडनी, लंग्स, पैनक्रियाज, इंटेस्टाइन, ये सब डैमेज होने लगते हैं। तो डॉक्टर तारिका, इस बीमारी की तो पहचान भी होगी ना, कोई सिम्टम्स तो होंगे? सिम्टम्स है, अगर ये बीमारी ज्यादा टाइम तक रहे तो वो इंसान की उसकी ग्रोथ पुअर हो जाती है, फैटी स्टूल्स होने लगते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है, बहुत खांसी आती है, इनफैक्ट साइनस इन्फेक्शन होने लगते हैं। सांस लेने में तकलीफ और खांसी? तो ऐसे मरीजों को तो हॉस्पिटल के काफी चक्कर लगाने पड़ते होंगे। कांस्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। बस सुविधा मुझे शहर में जितने भी हॉस्पिटल्स हैं सब में जाकर के पता लगाओ सिस्टिक फाइब्रोसिस के मरीज कितने हैं, और क्या उनमें से कोई एक ऐसा पेशेंट है जिसका हमारे इस केस से संबंध है। केस में हम लोग साथ साथ हैं। यस। डॉक्टर नीरव की बेटी को मार दिया गया, मुझे सस्पेंड कर दिया गया, तो बचा ललित। अगर ये सब कुछ इस केस की वजह से हो रहा है तो ललित के साथ भी कुछ ना कुछ तो हुआ होगा या कुछ ना कुछ होगा। ललित को ढूंढना पड़ेगा, लेकिन सालों से ललित से कोई कांटेक्ट नहीं है, कैसे ढूंढूं? ट्राई करता हूं। आर यू श्योर? ये वही है? जी हाँ, ये वही है, और इसको हॉस्पिटल में 2-3 बार आना ही पड़ता है। माय गॉड, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। कातिल का पता चल गया है। क्या डॉक्टर ललित मर गए 5 साल पहले? हाँ सर, आप उनकी बेटी से मिल सकते हैं। कहाँ है उनकी बेटी, मेरी बात हो सकती? वो तो मुंबई में है सर, सारिका नाम है उसका। सारिका? जी सर। ओके, थैंक यू। सारिका मुंबई में है।
सच के बहुत करीब हो तुम, एक आखिरी जगह जहां खून होगा। इंतजार कर रहा हूं तुम्हारा, वही जहां से सब शुरू हुआ था 8 साल पहले। सारू के सर का फोन तो लगातार बज रहा है, लेकिन उठा नहीं रहे। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं? सारू के साहब के फोन की लोकेशन ट्रैक करो, देखो कहां पे है और उस खूनी का भी। क्या कर रही हो? तुम्हारी मौत है, धीरे धीरे और बहुत ही दर्दनाक। तुम्हारे खून की एक एक बूंद का कतरा जब तुम्हारे शरीर से धीरे धीरे करके निकलेगा ना, तब बहुत मजा आएगा तुम्हें, है ना? लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रही हो? अपने बाप की मौत का बदला ले रही है। अरे हत्यारे हो तुम तीनों। तुम्हारा बाप रघु? हाँ, रघु, जिसे तुमने, डॉक्टर ललित ने और डॉक्टर मीजर ने मिलके मार डाला, और तुम्हारी वजह से आज मेरा बाप मेरे साथ नहीं है। मार डाला? हमने कैसे? तबूत इकट्ठा करके मार डाला। तुम लोगों ने सबूत इकट्ठा किया, मेरे बाप को फांसी की सजा दिलवा दी। देखो, सबूत इकट्ठा करना, सजा दिलवाना, ये फोरेंसिक का काम है। काम है? बेशक बेशक ये तुम लोगों का काम है, लेकिन तुमने मेरे बारे में तो नहीं सोचा ना, उस बेटी के बारे में जिससे उसका बाप छिन गया। मेरे बाप की मौत के बाद मैं सदमे में आ गई थी, और सदमे से बाहर आने के बाद मैंने सोच लिया था, ठान लिया था कि मैं तुम तीनों को तुम्हारे किए की सजा देकर रहूंगी। तो इसीलिए तुमने टीना को मार डाला? हाँ, मार डाला मैंने उसको, क्योंकि मुझे मालूम था कि डॉक्टर ललित 5 साल पहले ही मर गए हैं। और जहां तक रहा तुम्हारा और डॉक्टर नीरव का सवाल, तो मुझे मालूम था कि डॉक्टर नीरव अपनी बेटी टीना से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। टीना के मरने के बाद वो तो अपने आप ही मर जाएंगे, और तुम, जहां तक रहा तुम्हारा सवाल, तुम अपने फोरेंसिक से बहुत प्यार करते हो। जब वहां से तुम्हें धक्के मार के बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया जाएगा, तब तो तुम अपने आप ही मर जाओगे। लेकिन सारिका ने क्या बिगाड़ा था? सारिका?
उसे तो मरना ही था, वो ललित की बेटी जो थी और वो फॉरेंसिक में काम करती थी, तो मेरे काम आती ना वो, उसी की मदद से तो मैंने फॉरेंसिक विंग से सारे सबूत इकट्ठा किए थे। तुम्हारा फॉरेंसिक तुम्हारे खिलाफ। ये देखो डॉक्टर सालुंके, हो गया मेरा बदला पूरा, और जब तक सीआईडी यहाँ पर आएगी ना, तब तक तुम ऊपर। गुड बाय डॉक्टर सालुंके। रूपाली, खेल खत्म तुम्हारा। मेरा खेल खत्म और सालुंके का भी। बचा सकते हो ना तुम लोग तो बचा लो। खून का कर्ज हो गया अब तो बॉस तुम्हारा मुझ पर। मेरा कर्ज नहीं हुआ है खून का तुम्हारे ऊपर, ये तो वो कर्जा है जिन लोगों को तूने फांसी पर लटकाने में मदद की ना हमारी, वो कर्जा है, अब चुका दे। अच्छा सुन, बहुत आराम हो गया, सीधे काम पर चला दे। अच्छा जल्दी से ठीक हो जाइए। तारिका अकेली मुर्दों से बातें कर रही है। ओहो तारिका, अभिजीत को तुम्हारी बड़ी फिक्र है भाई। देखो भाई, अब एक हफ्ते तो मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ बॉस। एक काम करो ना, तब तक तारिका से काम चला दो। अच्छा ये आराम करिए आप। साइलेंस प्लीज। चुप। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।